हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। वंस अगेन इस वीडियो में देखते हैं वीलुकअप वर्सेस फिल्टर फंक्शन। सबसे पहले फिल्टर फंक्शन भी वीलुकअप की तरह रिजल्ट लेके आएगा, वो देख लेते हैं। इज इक्वल टू फिल्टर टोटल सेल्स से ही हमें ये सेलेक्ट करेंगे, कॉमा दिल्ली का देखना है, रेंज सेलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू ये रेफरेंस ये दे देंगे i4 एंटर। ये देखिए दिल्ली का, अगर लखनऊ होगा तो लखनऊ का आ जाएगा। इसको लॉक करते हैं f4 और यहाँ पे वीलुकअप की तरह ये सारे में ड्रैग कर देते हैं, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ये देखिए ये रिजल्ट टोटल सेल्स फिल्टर फंक्शन से लेके आ गए। कंट्रोल जेड। अब देखते हैं पॉइंट वाइज फिल्टर फंक्शन वीलुकअप से बेटर है। सबसे पहला पॉइंट है वीलुकअप से लेफ्ट साइड का वैल्यू नहीं आ सकता, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है फिल्टर फंक्शन। जैसे यहाँ पे 1004 करते हैं, ब्रांच कोड करते हैं, को हटा देते हैं। ब्रांच कोड, ये ब्रांच कोड है, इसके लेफ्ट साइड में ब्रांच का नेम है, तो वीलुकअप लेफ्ट साइड का वैल्यू नहीं ला सकता, तो इसका फिल्टर फंक्शन से लेके आते हैं। इज इक्वल टू फिल्टर रेंज यहां से लेके यहां तक, कॉमा कंडीशन, ये ब्रांच कोड इज इक्वल टू रेफरेंस ये दे देंगे एंटर। ये देखिए 1004 का दिल्ली है, 1003 का चेन्नई, 1006 का मुंबई। दूसरा बेनिफिट है जो वीलुकअप में इंडेक्स नंबर डालते हैं, कॉलम नंबर मेंशन करना होता है, 2, 3, 4, 5, कॉलम नंबर काउंट करने का झंझट खत्म हो गया। जैसे 1 अगर ब्रांच कोड से है तो 1, 2, 3, 4, 5 ये काउंट करना पड़ता। जैसे इज इक्वल टू वी लुक अप दिस कॉमा सेलेक्ट कॉमा 1, 2, 3, 4, 5 5, 0 ये करना होता। कॉलम नंबर काउंट करने का जो एफर्ट लगता है 1, 2, 3, 4 फिल्टर फंक्शन से, कॉलम नंबर काउंट करने का झंझट ही खत्म हो गया। तीसरा बेनिफिट ये है, जैसे अगर इसके बीच में रो इंसर्ट करते हैं तो वीलुकअप का वैल्यू गलत आ जाएगा। जैसे इंसर्ट करेंगे ये देखिए गलत आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम नंबर 5 कर रखा है, यानी कि इंडेक्स नंबर 5 कर रखा है। अगर उस रेंज के बीच में कॉलम इंसर्ट होता है कहीं भी, ये हिल जाएगा। जैसे ये 5 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यू उठा गया अपने आप, 1006 ये देखिए इसका ये वैल्यू उठा रहा, जबकि 1006 का फिल्टर फंक्शन से ये वैल्यू आ रहा है टोटल। फिल्टर फंक्शन से जो ये वीलुकअप का प्रॉब्लम है, रेंज के बीच में कॉलम इंसर्ट करते हैं तो वीलुकअप में कॉलम इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिल्टर फंक्शन से। कंट्रोल जेड। और फोर्थ बेनिफिट देखते हैं, वीलुकअप में कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट लाना हो तो अदर फंक्शन का हेल्प लेना होता है, बट फिल्टर फंक्शन में सिंगल फॉर्मूले से ही फिल्टर फंक्शन से ही हो जाएगा। जैसे संदीप हरीश, इनका फेब मंथ का कॉस्ट निकालते हैं, इज इक्वल टू फिल्टर हमें चाहिए कॉस्ट चाहिए, f4 लॉक कर देंगे, कॉमा
कस्टमर नेम का रेंज F4 इज इक्वल टू ये कॉमा अगेन सेकंड कंडीशन मंथ लॉक कर देते F4 इज इक्वल टू दिस, इसको भी लॉक कर देते हैं एंटर। ये देखिए संदीप का फेब मंथ में 5000, हरीश का फेब मंथ में 1000। ये हो गया फोर्थ बेनिफिट विद कंडीशन, अप्लाई करना हो तो फिल्टर फंक्शन से, किसी और फंक्शन के हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ये अकेला ही कर सकता है। ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ बेनिफिट है वीलुकअप से मल्टीपल वैल्यू नहीं आ सकता, वीलुकअप हमेशा पहला वैल्यू उठाता है। जैसे संदीप का कॉस्ट लेके देखते हैं तो 5000 उठाएगा, इज इक्वल टू वीलुकअप दिस कॉमा कॉमा 1 2 3 इंडेक्स नंबर 3 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर। ये देखिए संदीप का 5000, वीलुकअप हमेशा टॉप का वैल्यू उठाता है, वीलुकअप से मल्टीपल वैल्यू नहीं आ सकता, जबकि फिल्टर फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज ला सकता है। इज इक्वल टू फिल्टर कॉस्ट लाना है कॉमा देन कस्टमर इज इक्वल टू संदीप एंटर करेंगे। ये देखिए अगर यहाँ पे हरीश कर देंगे तो ये हरीश के वैल्यू आ जाएंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है ये दोनों फंक्शन अलग तरह से काम करते हैं, वीलुकअप लुकअप फंक्शन है जबकि फिल्टर फंक्शन लुकअप फंक्शन नहीं है। बाकी रिजल्ट हम फिल्टर फंक्शन से भी लेके आ सकते हैं। ओके गाइस, इस वीडियो में वीलुकअप का अल्टरनेटिव फिल्टर फंक्शन यूज करना देखा। आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।